Assalamu alaikum viewers, what's going on? This is me Humayz Ali and welcome back to my channel In-Depth Reviews. तो यार इससे पहले हम काफ़ी बार जो है वो ओप्पो रीनो के ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन अब की बार हम फाइनली बात कर सकते हैं ओप्पो रीनो के ऊपर ऑफिशियली, जिसको कह सकते हैं, क्योंकि ओप्पो रीनो जो है वो वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दिया गया है। पाकिस्तान में अभी नहीं आया, पाकिस्तान में भी थोड़ी देर तक आप लोगों को ये सीरीज़ देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये सीरीज़ लेने के बारे में, ये इसको सोचने के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ इस सीरीज़ के बारे में, ताकि आप लोगों को भी टाइम बचे। अगर आप लोग ये सीरीज़ लेना चाह रहे हैं ओप्पो रीनो की, तो मतलब इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी फुली फाइनल हो जाए, तो बगैर टाइम ज़ाया किए आज की इस वीडियो के अंदर इसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए करिए फिर शुरुआत। तो दोस्तों, जो सबसे अच्छी बात है ओप्पो रीनो के बारे में वो है इसका डिज़ाइन। अब इसका डिज़ाइन इसको सारे सेल फोन से जो है वो मुख्तलिफ बनाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें मतलब ट्रिपल कैमरा सेटअप तो देखने को मिलता ही है बैक पर, लेकिन हमें फ्रंट पर जो है वो फुल ऑन डिस्प्ले देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कोई किसी किस्म का नॉच नहीं, कोई किस्म कि मतलब किसी किस्म का जो है वो पंच होल नहीं है, यहाँ पर कोई किसी किस्म की जो है वो चिन नहीं है। अगर आप लोग इसकी साइड्स को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बेजलेस है, जो कि 93.1 स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को फुल ऑन डिस्प्ले देखने को मिलेगी, एक अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले के साथ साथ ही आप लोगों को 6.6 इंच की OLED डिस्प्ले प्रोवाइड की जाती है, जो कि फुल HD डिस्प्ले है। अब ये डिस्प्ले सैमसंग वाली नहीं है, ये OLED डिस्प्ले है। अब आप लोगों काफ़ी हद तक वही एक्सपीरियंस रहेगा, वो मोशन डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले OLED है, तो काफ़ी अच्छी आप लोगों को डिस्प्ले फुल जो है वो HD रेजोल्यूशन के साथ प्रोवाइड की गई है। उसके साथ अगर फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो आप लोगों को पिवट राइजिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा, और ये कैमरा जो है वो आज तक किसी सेल फोन के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया गया। आप लोगों को मोनिटराइज पॉप अप कैमरा देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पिवट कैमरा जो है वो एक स्लाइड आपकी ओपन होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ इंटरेस्टिंग बनाती है इस फ़ोन को, कि एक पूरी स्लाइड आप लोगों की थोड़ी सी ऊपर आए और मतलब आप लोगों का जो है उसके अंदर कैमरा सेंसर हो। इसके साथ अगर बैक की बात कर लूँ तो बैक पर आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी एक यूनिकेस्ट डिज़ाइन के साथ देखने को मिलेगा। आप लोगों को एक सेंटर में लाइन देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप लोगों की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, और आप लोगों के ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे। वेल, यहीं पर अगर बात कर लूँ ओप्पो रीनो के कैमरा सेटअप के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो 48 मेगापिक्सल का आप लोगों को मेन कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा, जबकि 8 मेगापिक्सल का आप लोगों को जो है वो आप लोगों का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो अल्ट्रा वाइड होगा। एंड द थर्ड वन इज आप हाइब्रिड जूम, जिसको आप 10x जूम कह सकते हैं, वो 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि Huawei P30 Pro की तरह हम भी जो है वो मून की पिक्चर्स लेंगे, यस यू कैन। अगर आप लोग ओप्पो रीनो को बाय कर रहे हैं तो आप लोग जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी हमें वही एबिलिटी देखने को मिलती है कि आप लोग जो है वो 10x जूम कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली 50x जूम तक जाएगा और काफ़ी स्टेबल रहेगा। एक बैड न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान में सुनने में, कि ये जो ओप्पो रीनो आएगा पाकिस्तान में वो ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ आएगा, और जो इसका मतलब एक छोटा वेरियंट होगा वो पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा, ओप्पो रीनो ये वाला वेरियंट नहीं लॉन्च किया जाएगा। तो ये मतलब अभी सुनी सुनाई न्यूज़ है, हो सकता है कि शायद ये सच भी हो, या हो सकता है कि ऐसा ना हो। ओप्पो रीनो जो ऑफिशियल सेल फोन है वही देखने को मिले ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। अगर फ्रंट कैमरा की बात कर लूँ तो आप लोगों को 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। उसके साथ अगर इस सेल फोन के हार्डवेयर की बात कर लूँ, सेल फोन जो है वो अपनी काफ़ी अच्छी हार्डवेयर के साथ आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 885 देखने को मिल जाएगा, जो कि फुल लेटेस्ट चिपसेट है स्नैपड्रैगन की तरफ से क्वालकॉम का। आप लोगों को यहाँ पर कोई किस्म की स्पीडिंग का मसला नहीं आने वाला, 8GB रैम है, और आगे आप लोग 128GB या 256GB वाला बाय कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करती है बात। वेल, यहाँ पर एक चीज़ और है जो ओप्पो रीनो के अंदर बताने वाली है, वो है इसकी बैटरी। तो बैटरी आप लोगों को जो है वो 4065 mAh देखने को मिलती है विद सुपर वॉक 3.0 चार्ज। अब यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सुपर वॉक जो है वो 3.0 की एबिलिटी देखने को मिल जाती है। तो आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं आने वाला, अगर आप लोग गेमिंग करने वाले हैं या डेली यूज़ में अगर आप लोग यूज़ करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग अगर डेली यूज़ में यूज़ करते हैं तो 2 दिन तो आपके आराम से निकल जाएंगे, और अगर आप लोग गेमिंग करते हैं तो देन आप लोगों के लिए सुपर फास्ट वॉक चार्जिंग प्रोवाइड कर दी गई है। उसी के साथ आप लोगों को जो है इसके अंदर कलर OS 6 देखने को मिल जाएगा, जो कि लेटेस्ट कलर OS 6 है ओप्पो की तरफ से,
और बूम, आप लोगों को एक फुल पैकेज देखने को मिलेगा। अब पाकिस्तान में इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस आ रही है तकरीबन 70,000, और मेरा ख्याल है कि 70,000 नहीं होगी, थोड़ी सी शायद प्राइस अप हो सकती है। और अगर आप लोग, अगर इसका जो है वो दूसरा वेरिएंट लॉन्च हुआ जो कि ड्यूअल कैमरे वाला है, देन इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और ओप्पो रीनो के बारे में पता चल गया होगा कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप लोग सोच रहे थे तो मेरा ख्याल है क्लियर हो गया है। तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके आगे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस की न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने वालदन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।